शिमला आया हूँ मैं। में मैं फ़िलहाल हूँ आया हॉस्पिटल में दो रीजंस की वजह से, वो मैं बताऊँगा बाद में कौन से दो रीजंस थे। पहला रीज़न था कि मेरी कफ एंड कोल्ड ठीक नहीं हो रहा है, तो अभी मेरा ब्लड टेस्ट और एक्सरे हुआ है। एक्सरे रिपोर्ट तो मिल गई है, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट दोपहर को मिलेगी। तो फिर हम अभी थोड़ी देर में फिर से वापस आएंगे हॉस्पिटल, तब तक हम बाकी घर वालों को लेने जा रहे हैं दूसरे रीज़न की वजह से। और मेरे हाथ में बहुत जोर से लगी, साइड में रेलिंग लगी थी, वीडियो बनाने के चक्कर में दीवार के साइड से रेलिंग निकली हुई थी और वो मेरे हाथ में इतनी ज़ोर से लगी है ना, दुख गया मेरा हाथ। तो टेस्ट तो हो गए, उसके रिजल्ट आएंगे दोपहर को, तब तक मैं बाकी घर वालों को लेने जा रहा हूँ, क्योंकि आज फूफा जी की कल है रिटायरमेंट, तो आज उन्होंने रखी है कांगड़ी धाम। तो हम, मैं और पूजा पहले आ गए थे क्योंकि हमने दिखाना था यहाँ पे, बाकी सारे घर पे उनको पिक करके फिर हम रिपोर्ट भी अपनी दिखा लेंगे और धाम भी अटेंड कर लेंगे। तो मैं सबको पिकअप करके वापस पहुंच गया हॉस्पिटल में दूसरे रीज़न की वजह से, जो कि है फूफा जी की रिटायरमेंट। वो तो आज उनकी तरफ से है कांगड़ी धाम, जो वहाँ पीछे बन रही, जो मैं अभी दिखाता हूँ, यहाँ ध्यान वो होगी धाम, होगी धाम क्या ना, पीछे पीछे बच्चे नहीं जाके, नहीं तेल तूल वाली जगह में, ये क्या चीज़ है, अभी जो हम घर से सुबह निकले थे तब निकली थी एकदम धूप, और अब फिर से बादल बादल हो चुके हैं। हम कल से आए, हम कल से इसी उम्मीद में बैठे कि बर्फ़ पड़ेगी बर्फ़ पड़ेगी, हम चाह रहे बर्फ़ पड़े, बुआ चाह रहे बर्फ़ ना पड़े क्योंकि फंक्शन है, और हम अपने प्लेजर के लिए चाह रहे कि बर्फ़ पड़े, पर पड़ नहीं रही है, बहुत बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। शुरू होनी है 1 बजे, फिलहाल बज रहे हैं 12:30। मैं सोच रहा हूँ आगे का ब्लॉग कैसे शूट करूँ, क्योंकि मेरे हाथों में उई हो रखी है, क्योंकि एक हाथ में टेस्ट की वजह से लगी है सुई, और एक मैंने थकवा के वहाँ पे पीछे ब्लॉग बनाते बनाते अपना हाथ यहाँ से छुलवा लिया, तो थोड़ी दर्द गोली में भी हो रही है। एक बज गया पर अभी धाम शुरू नहीं हुई, और डैडी और पूजा को लग पड़ी है भूख, भूखड़, अभी लोग भी नहीं आए हैं, खाली पड़ा भी। जरूरी है एडवर्टाइजमेंट करनी है। ज्ञान को लगी भूख? नहीं। तेरे को तो लगती नहीं भूख कभी, और कुछ आ रहे 3-4 लोग दिख रहे मेरे को, सरकारी इन समय के अनुसार अभी लंच हो गया। वो ये पूजा पूछ रही म्यूजिकल चेयर खिलाने के लिए लगा दी चेयर, कैसे कैसे सवाल पूछती देखो मेरे म्यूजिकल चेयर खिलाने के लिए। क्या बोल रहा है? और भी गिफ्ट मिलेंगे, कल मिलेंगे ज़्यादा, कल वो बोल रहा है पप्पा जी को मेरे से ज़्यादा गिफ्ट मिल जाएंगे, ज़्यादा लोग आ गए। हाँ मैं नहीं, वो भी रिटायर हुआ, वो रिटायर हुआ। हाँ तब तेरे को भी रिटायरमेंट में ज़्यादा गिफ्ट मिलेंगे। वो तेरे को पता होगा, बड़े होगा तेरे को टॉयज चाहिए कि क्या चाहिए? मुझे साथ में वो चाहिए जो ऐसे होते हैं ऐसा, और बटन चेंज। बड़े होने के बाद भी तो बूढ़ा हो जाएगा, तो बूढ़ा होके क्या करेगा? उसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे टू ही चाहिए। ठीक है ठीक है, सारे देंगे तो ले लूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है पापा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ये फूफा जी इनकी रिटायरमेंट है, जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे उस दिन आराम से, इसको टेंशन हो गई है, बोल रहा है इतने ज़्यादा लोग आए, पहले बोल रहा था फूफा जी को भी मेरे जितने गिफ्ट मिले, फिर इतने ज़्यादा लोग देख के, वरना उनको तो मेरे से ज़्यादा मिल जाएंगे। मुझे कभी इतने गिफ्ट मिलेंगे, मतलब जब रिटायर होएगा। अच्छा, तब, 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 तब,
बताओ मम्मी कौन कौन सी सब्जी है ये? हाँ जल्दी बताओ सब्जी कौन सी? ये तो खट्टा कद्दू शायद, कड़ी खट्टा, ये दाल माँ की दाल, बाप की दाल नहीं माँ की दाल। हॉस्पिटल का इतना स्टाफ है कि आप जाके 1:30 बजे खाना शुरू हुआ था, 2:30 बजे जाके मेरा नंबर आएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा रश है धाम के लिए। पूजा आधा ज्ञान का खा चुकी है पर ये फिर से लाइन में लग चुकी है। थोड़े ही डालना अभी बस, मैं एक बाद में और ले लूँगा थोड़ा। ये कौन सी दाल है? तेलिया दाल। वैसे तो हम धाम का ब्लॉग पहले भी कर चुके हैं, चने की दाल मुझे अभी नहीं चाहिए, ले लो। कड़ी डाल दो, छोटे से डालो, थोड़े से बस। ये ऊपर डालो, सब्जी नहीं लगी मेरी प्लेट में। फाइनली धुआंधार गर्मा गर्म खाने की प्लेट मिल गई है। धाम कैसे बनी है आपको, कैसी लग रही धाम? बढ़िया बढ़िया। तो ये जो मीठे की आइटम है इसको बोलते हैं बदाने, मोस्टली इसको लोग राइस के साथ खाते हैं। पूजा डायरेक्ट खा रही है पर सारे राइस के साथ खा रहे हैं, मेरा भी मन नहीं कर रहा, मैं थोड़े बहुत अभी बिना राइस के सारे राइस के साथ कर रहे हैं। आम तो हमने खा लिया पर मौसम अटकीलिया कर रहा है हमारे साथ, कभी धूप आ रही है फिर बादल आ जा रहे हैं फिर धूप आ जा रही है, पर इतना तो गारंटी की बर्फ नहीं पड़ेगी। पड़ेगी बर्फ मम्मी? बर्फ पड़ेगी? बर्फ तो नहीं, दूर दूर तक कोई आसार नहीं है, बस अभी ये धाम खा के सुस्ती चढ़ने शुरू होगी। मैं और आप पैदल ही निकल देंगे क्योंकि वो जब तक वो वहाँ से ट्रैफिक में वापस मुड़ के आएंगे तब तक हम पैदल ही पहुँच जाएंगे, खाना भी डाइजेस्ट हो जाएगा। हाँ एक बार मैं अपनी रिपोर्ट्स दिखा के देखता हूँ। तो ऊपर से तो हम आ गए जहाँ पे धाम थी, गाड़ी में हमने रख दी गिफ्ट सब, बस फूफा जी का वेट कर रहे हैं ताकि यहाँ से हम निकलें क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। रिपोर्ट भी आ गई है, एक टेस्ट मेरा रह गया था जो कल करना पड़ेगा, स्पेक्टम बलगम निकाल के देनी पड़ेगी, तो वो कल मैं दूंगा। और फिर अभी तो फिलहाल घर चलते हैं और फिर देखते हैं आज क्या करना होगा। दिल्ली तमन्ना हो रही कि बर्फ़ गिरे पर उतनी ही ज़्यादा ठंड हो रखी है, मतलब अभी बर्फ़ नहीं गिरी है तो इतनी ठंड है, तो पता नहीं गिर गई तो क्या हाल होगा। बाकी मेरे गले में बहुत तकलीफ है, बहुत बुरा हाल हो रखा है, और क्योंकि मेरा एक टेस्ट बचा है तो मैंने अभी जाके बलगम अपनी वो सैंपल के लिए देनी है, एक अभी रात को और एक सुबह। तो अब मैं मुलाकात करूंगा आपसे कल सुबह क्योंकि कल भी वो रिटायरमेंट की वो है पार्टी है, कल उनको हॉस्पिटल की तरफ से मिलेगी, स्टाफ की तरफ से, आज तो उनकी खुद की धाम थी। तो अब मुलाकात करते हैं कल ताकि मैं अपने गले को दूँ थोड़ा आराम, इसलिए बाय। आज दिन चढ़िया, सूरज भी चढ़िया तो मैंने सोचा मैं भी चढ़ जाऊँ। तो हम आ रहे हैं अभी सुबह सुबह हॉस्पिटल से, अपने जो थूक का सैंपल था वो देना था क्योंकि खांसी इतने दिनों से, यहाँ से सीधा क्योंकि खांसी इतने दिन से ठीक नहीं हो रही थी, तो टीबी का टेस्ट भी होना था, इसलिए जो थूक था। अच्छा तो अब सैंपल सैंपल देके मैं और बुआ जा रहे हैं ऊपर मार्केट तक, घर वालों को हमने ऑलरेडी छोड़ दिया क्योंकि उनकी एक्सरसाइज कराते तो फिर वो कोई फंक्शन अटेंड नहीं करवाते, खास करके मम्मी तो बहुत ज़्यादा थक जाते। तो हम जा रहे हैं ऊपर तक क्योंकि आज रिटायरमेंट का एक्चुअल डे है
और आज हॉस्पिटल स्टाफ पार्टी देगा, तो हम अपनी तैयारी कर लेते हैं, जो भी रिटायरमेंट से रिलेटेड सामान लेना है तो कनेक्ट करते हैं थोड़ी देर बाद। ये क्या मसालों की मार्केट है? अरे यहाँ खुशबू कितनी आ रही है, मसालों की, और सांस अभी चढ़ रही तो और खुशबू आ रही है। फ्लावर शॉप में हमने बुके का ऑर्डर दे दिया है, जो हो जाएगा अपने आप ही डिलीवर, और अब आगे बाकी का काम किया जाए। बहुत काम है, बहुत ज़्यादा। ऐसा तो मुझे तो देखने में सही लग रही है, ऊपर से था ये सारे 300 के होंगे कोई। हाँ तो फिर ये पूछना पड़ेगा। आपके हाइट का नहीं है? मेरी हाइट की है ये। चलो मम्मी अंदर चल जाओ। क्या अंदर आ गया? क्या अंदर? सवारियों को लग गई है भूख शॉपिंग करते करते। क्या मेरा केसर मलाई खाने का मन कर रहा है। फटाफट करिए, फिनिश करो। कैन को दे दो वरना। हाँ ये हमने खा लिया कैन, वही है। ये नहीं, ये स्पॉन्जी रसगुल्ला होता है, रसमलाई वो होती है। ऐसे करके लोग आओ और पी जाओ। चलो हो गया है भागने का, क्योंकि हम चल रहे हैं थोड़ा सा लेट, 1:20 बज चुके हैं, 1:30-2 बजे शुरू होना है फंक्शन, और अभी हम तक मार्केट में ही घूम रहे हैं, खाने पीने में और शॉपिंग में। तो हम हॉस्पिटल के प्रेमिसेस में तो पहुंच गए हैं रिटायरमेंट अटेंड करने के लिए। चलो जगह बनाओ, जगह बनाओ। ऐसा नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। मैं आप सभी को मैं ये चाहता हूँ कि सभी अच्छे ढंग से काम करें। आप बोलो कैसा लग रहा है आपको रिटायर होने के बाद? बहुत फ्री फील कर रहा हूँ। फ्री? हाँ। गर्दन भारी लग रही होगी? गर्दन भारी लग रही है। ये इन्होंने जो ये माला पहनी है, इसको बोलते हैं किन्नौरी माला। किन्नौर में मिलती है ना ये? हाँ। और ये टोपी भी किन्नौरी टोपी। ये किन्नौरी टोपी है और इसमें लगे हैं चिलगोजे एंड ये क्या चीज़ है? चूली। ड्राई फ्रूट्स वाली है ये, अगर बंदा थक जाए तो ऐसे बाइट भी कर सकता है। बेसन भी तो है।
लो लो लो, मुझे दे दो एक पकौड़ा, ये शर्मा रहे हैं यार, मैं खा लेता हूँ। तो रिटायरमेंट से तो हम हो चुके हैं फ्री, अब सामान रखिए और मेरी रिपोर्ट जो आनी थी टीवी की वो लेके अब हम चलते हैं वापस घर को, वहाँ पे छोटी सी सेलिब्रेशन करेंगे। क्या ध्यान सर, चाहे गाड़ी की छत नई हो या पुरानी, बंदरों ने कूद कूद के उसमें क्या डेंट डाल दिया है, या फिर सेम पप्पा जी की गाड़ी का भी यही हाल हो रखा है। शिमला के बंदर महान। ये हम जो लाइन देख रहे हैं पगली तरफ, ये ऑलमोस्ट मैं 2 किलोमीटर से देखते हुए आ रहा हूँ, तो शिमला का बुरा हाल है। रोज़ भी हम जब ऐसे, हमारे को तो 2 दिन हो गए हैं, पर आज कुछ ज़्यादा ही लंबा है। तो हम तो निकल चुके हैं वहाँ से, डैडी और बुआ और पप्पा जी आएंगे सरकारी गाड़ी में, क्योंकि जब कोई रिटायर होता है तो डिपार्टमेंट उनको छोड़ने आता, तो वो आएंगे सरकारी गाड़ी में। उसके बाद तो ये रिटायरमेंट की तरह रिटायर हो चुका है, एक तरफ से इसका हाथ मत रख, इस पे हाथ मत रख, फिसल के ये इधर से इधर को आ गया, सड़क की रिटायरमेंट थोड़ी है, मेरा रिटायरमेंट थोड़ी है, मैंने कहा जलाई भी खुद और बुझाई भी खुद। सीखना पड़ेगा ये गाना। ये पिज्जा है कि क्या है, कुलचा है? नहीं नहीं, इतना बड़ा सैंडविच है, इतना बड़ा। हाँ ये एक एक के नहीं मिलेगा भाई, एक को दो मिलेगा, एक जने का। इतना हैवी है ये, पीस कर रहे हैं ऐसे। भाभी पहले ना काट लो, फिर लिफाफा निकालना, करना बिखरेगा नहीं। तो हमारी पार्टी अब फिर से घर में आके लास्ट खत्म हो रही है, नहीं मतलब अभी कल भी बची है, पर आज के लिए केक और ये बड़े बड़े से सैंडविच यहीं पे निपटा के फिर शाम का अब न्यू ईयर का प्लान होगा। तो पप्पा जी रिटायरमेंट फिर से मुबारक हो, ठीक है। बाकी आपने, मैंने आपको बोला था स्पीच में एक लाइन बोलनी थी, आपने मिस कर दी कि आप एक बंदा है उसका चैनल सब्सक्राइब करना है, वो आपने बोला नहीं, पर मैं यही। तो ये अगर ब्लॉग आपको पसंद आया होगा हमारे शिमला का, देन लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और फिर से जल्दी से मिलेंगे क्योंकि शाम को न्यू ईयर है, उसका अलग ब्लॉग आएगा। बाय।